हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम आज न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बस जस्ट रिवीजन टाइप है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस एक क्वांटम सिस्टम विच इज करेक्टराइज बाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जो न्यूक्लियस है वो डिस्क्रीट एनर्जी के रूप में होता है। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे को अपने को कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको अपने को याद रखने हैं, जैसे कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 939.56 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, M.SC², ओके, एंड प्रोटॉन M.PC² इज इक्वल टू 938.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस वन ये बहुत हेल्पफुल होगी जब कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा M इज इक्वल टू Mn-Mp², इक्वल टू 1.29 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की एनर्जी का डिफरेंस 1.29 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। अब 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 AMU की 1 AMU की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये बहुत काम में आएगी जब हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की AMU में क्या वैल्यू होती है? तो एक न्यूट्रॉन का मास वो AMU में 1.0087 एंड एक प्रोटॉन का मास 1.0078, यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन की तुलना में भारी होता है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये चीज़ें तो अपने को याद रखनी ही पड़ेगी ताकि कैलकुलेशन में अपने को आसानी रहे, ओके। अब आगे अब बात आती है कि न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती है, साइज। तो साइज की बात करें तो एक एटम की साइज होती है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 10^-10 मीटर, और न्यूक्लियस की फर्मी में चलती है तो 10^-15 मीटर। तो ये न्यूक्लियस की साइज है। जैसे कि एटम है, एटम के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, तो इसकी साइज 10^-15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी, ओके। अब मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर, जो कि एटम का मास भी होता है। एटम का, बिकॉज एटम का मास क्या होता है, m+p+इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो ये, देखो ये तो इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ऑल एटम का ऑलमोस्ट मास न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है, ओके। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के प्रकार कितने होते हैं? न्यूक्लियस
न्यूक्लियस चार तरह के जैसे हो सकते हैं। देखो पहला टाइप आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका प्रोटॉन सेम प्रोटॉन है, जैसे कि दो एटम ए एंड बी है, ठीक है, इनके प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। लेकिन इनका मास डिफरेंट हो सकता है। मास डिफरेंस कैसे? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, तो अलग अलग न्यूट्रॉन तो मास भी अलग अलग हो जाएगा इनका। ओके नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या हुआ? यूरेनियम 238 और 235। ओके नेक्स्ट आइसोबार्स। ऐसे न्यूक्लियस जिनके मास समान होता है, जिनके मास दो न्यूक्लियस देखो ए एंड बी, इनके मास समान है लेकिन डिफरेंट प्रोटॉन्स, जिनके प्रोटॉन डिफरेंस है लेकिन मास समान है, जैसे कि ये हीलियम, हीलियम 3 और 1 हाइड्रोजन विथ 2 न्यूट्रॉन्स, ट्राइट्रियम। ओके तो ये आइसोबार्स के एग्जांपल हैं। अब आता है आइसोटोम्स। तो आइसोटोम्स क्या होते हैं? आइसोटोम्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या है वो अलग हो, और इसका एग्जांपल हो जाता है फिर कार्बन, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है 7 और 7। ठीक है 8 और 8। नेक्स्ट आइसोमेरिक। आइसोमेरिक क्या होते हैं? जिनके टोटल मास समान हो, समान प्रोटॉन हो बट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो वो आइसोमेरिक कहलाते हैं। अब आइसोमेरिक के कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइसोमेरिक न्यूक्लियस, टू इसकी डेफिनेशन, टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड आइसो, टू न्यूक्लियस मिरर न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियस इफ द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर आर इंटरचेंज, जैसे कि लिथियम और बेरिलियम। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 3, इसमें प्रोटॉन की संख्या 4, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 4 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3। ओके तो ये देखो न्यूट्रॉन की संख्या इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर, इसके प्रोटॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ओके The fact is, the mirror nuclei have same radius, but their masses are slightly different. उनकी radius जो समान होती है, लेकिन उनकी जो mass होता है, वो different होता है. अब अपन बात करेंगे nuclear radii. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियस की रेडियस वन फर्मी के आसपास होती है। तो न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला है ये, जहाँ ए क्या है? एटम का मास, न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, और आर कांस्टेंट है।
ये स्मॉलेस्ट होती है. जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1H1, इसकी बात करें तो इसका A की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 1/3 और जस्ट इक्वल टू 1. तो R नॉट इज 1.2 फर्मी फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, नाउ न्यूक्लियर मास डेंसिटी. न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियर मास डेंसिटी वी नो द डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम. ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एज वी नो द एटम का मास और न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट सेम होता है. तो एटम का मास क्या होगा? उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की का मास ये है, प्रोटॉन का मास ये है, न्यूक्लियस का मास ए माइनस जेड क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है 1.008 और 1.007. बहुत ही कम डिफरेंस होता है मास का. तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? न्यूक्लियस के मास के बराबर हो जाएगा. तो इसको अपन अपने ऐसे लिख सकते हैं, रो ए, ए ए क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस और आर की 4/3 पाई आर क्यूब. आर आर रखेंगे आर नोट ए की पावर 1/3. तो ये अपन ने यहाँ रखा. तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगी अगर इनकी अपन वैल्यू रखें? तो ऑलमोस्ट 10^17 केजी पर मीटर क्यूब. द डेंसिटी इज, द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड इट्स कॉन्स्टेंट. ये क्या है? इंडिपेंडेंट, ये न्यूक्लियस की साइज के इंडिपेंडेंट होती है एंड और ये कॉन्स्टेंट होती है, लगभग कॉन्स्टेंट होती है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी. न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय पर मीटर क्यूब वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियॉन्स को अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी पर मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स. तो अपन ने निकाला है कि डेंसिटी क्या होती है, 10^17 केजी पर मीटर क्यूब. और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? 1.67 इंटू 10^-27 केजी. तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 10^44 न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब. यानी एक मीटर क्यूब में 10^44 न्यूक्लियंस अपने को मिल जाते हैं. और ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, लगभग न्यूक्लियंस के लिए. न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी. अब चार्ज क्या किस किस पे होता है? प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. तो
न्यूक्लियस पे चार्ज किसका रहेगा? प्रोटॉन का, प्रोटॉन प्लस आवेश, तो इसका फॉर्मूला किस तरह होता है? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी को अपन इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू पावर आर माइनस कैपिटल आर अपॉन ए, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर की साइज के साथ कैसे परिवर्तित होता है, कैसे चेंज होता है, ये इस मिश्रण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम में थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है ये रो नोट कराता है और लगभग यहाँ तक आते आते ये अपनी 90% ऑफ रो हो जाता है 90%, और यहाँ आते आते यहाँ ये 10% हो जाता है अपने ओरिजिनल डेंसिटी का, और ये 90%, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये a होती है, a जो कांस्टेंट होता है वो होती है, जिसकी वैल्यू 0.4 से लेकर 0.5 तक, 5 फर्मी तक वेरी करती है, और ये लगभग कांस्टेंट सी होती है, तो अपन इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, और R की वैल्यू तो अपन जानते हैं, पीछे निकाली थी R इक्वल टू R नॉट A टू पावर 1/3, ये वही है 1.2 1.7। ओके आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, जो न्यूक्लियस का क्वाड्रुपल मोमेंट होता है उस पर चर्चा करेंगे अभी। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो स्पेरिकली चार्ज होता है, स्पेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस पे, और ये इस मिकन के द्वारा दर्शाए गए हैं। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज जीरो है तो स्फेरिकल होएगा, और अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, चार्ज ग्रेटर देन जीरो, तो पैरेलल होएगा, और लेस देन होएगा तो ये ऑब्लेट होएगा। ओके और ये इसकी इक्वेशन है। This is classically and this is quantum mechanically. Q is equal to e divided by 2, 3 z square minus r square, or quantumly 1/e 3 z square minus r square rho dv. Okay. आगे चलते हैं। न्यूक्लियर स्पिन, और न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? न्यूक्लियर स्पिन, हम जो न्यूक्लियस को एक स्पेरिकल के रूप में मानते हैं, है ना, तो उसका न्यूक्लियर, उसका टोटल स्पिन क्या होगा? टोटल स्पिन क्या होगा उसके ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंट के योग के बराबर होता है।
फॉर इवन इवन न्यूक्लिए यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी इवन और न्यूट्रॉन की संख्या भी इवन, तो न्यूक्लियाई का जो टोटल स्पिन होता है वो जीरो होता है। और जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन जस्ट लाइक देयर, तो इसमें टोटल स्पिन ये माइनस ये प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल जीरो हो जाता है। उसी तरह न्यूक्लियस में होता है, इवन प्रोटॉन ओड न्यूट्रॉन या ओड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, तो एक एन पेयर न्यूक्लियस रह जाते हैं। जिस तरह अपन इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन होता है, उसी तरह न्यूट्रॉन में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी होता है। तो अगर ये इवन है और ये ओड है तो एक न्यूट्रॉन का बच जाएगा, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंट हो जाए तो वो नॉन जीरो, टोटल एंगुलर मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार ओड ओड न्यूक्लियस ये भी इज रिजल्टिंग, इसका भी एन पेयर होता है और एन स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा एन स्टेबल ओड ओड न्यूक्लियस होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इवन इवन और मीडियटर इवन ओड या ओड इवन। आज की आगे चलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंट और ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, जी एल 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 के एंगुलर मोमेंट नंबर और एस स्पिन एंगुलर स्पिन मोमेंट नंबर। फॉर प्रोटॉन एच एस की वैल्यू 2.79 HN और जी एस की वैल्यू 5.58 GS। फॉर न्यूट्रॉन -1.91 HN, जी एस की वैल्यू -3.82, जी एस की वैल्यू 2। ओके, अब चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी की अपने को जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वैल्यू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम क्या है, मास डिफरेंस। बाइंडिंग एनर्जी मास डिफरेंस क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन जेड प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन टोटल न्यूट्रॉन का मास माइनस एटम का मास इंटू सी स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो वैल्यू इसमें काम आए। ओके, अब चलते हैं आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अपने को क्यों जरूरत पड़ेगी, एटम की स्टेबिलिटी का पता करने के लिए, एटम की स्टेबिलिटी का पता करने के लिए। तो ए पैरामीटर इज यूज टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एक ग्राफ देखते हैं, इस ग्राफ में देखो सबसे टॉप पे कौन, सबसे टॉप पे फेरस। तो पीरियोडिक पूरी पीरियोडिक टेबल में अपन बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 26 नंबर पे फेरस, जिसका प्रोटॉन संख्या परमाणु क्रमांक 26 होता है एटॉमिक नंबर। ये इस तरह होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये बी बाइंडिंग एनर्जी पर
एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक मास में रिलेशन है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। देखो Ba इज मैक्सिमम फॉर फेरस 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, फॉर मैजिक नंबर n 2 8 20 8 28 50 82, प्रोटॉन के लिए 2 8 20 28 50 82 126। ये क्या करते हैं, ये नंबर क्या दिखाते हैं, जिनका नंबर ये होएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे रिलेटिव टू अदर एटम। ओके, अब जो बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास वो प्रोपोर्शनल होती है ए माइनस एटॉमिक नंबर माइनस वन, ये लगभग कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, पर ये सब स्टेबिलिटी के लिए पता करने के प्रयास हैं। जो साइंटिस्ट थे अपने, उन्होंने स्टेबिलिटी पता करने के लिए ये फॉर्मूला निकाले थे, लेकिन फिर हायर वैल्यू के लिए भी ये हायर, जैसे जैसे हायर वैल्यू प्राप्त करते गए वैसे वैसे ये रूल फेल होते गए। ठीक है, जब जिसमें फेरस सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राप्त हुआ उसके बाद इन्होंने डेविएशन कर्व में डेविएशन प्राप्त होना शुरू हो गए, तो ये मोर प्रोप्रिएट नहीं है, बट हाँ लोअर वैल्यू के लिए ये चाहिए। ओके, नाउ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास इज ऑलमोस्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन, फेरस के लिए अपने देखा था 8.8। और इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी हाई इंक्रीजेज, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉल्स एज एस मूव फ्रॉम फेरस टू यूरेनियम, हम फेरस से यूरेनियम की तरफ जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व डाउन की तरफ चला जाता है, तो ये कम स्टेबल को दिखाता है। और उनमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि पीछे बताया था मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जो इवन न्यूक्लियाई होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर मिडियोट्रियल में ओड इवन या इवन ओड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। एंड लीस्ट स्टेबल कौन कौन होंगे, जो ओड न्यूक्लियाई रखते हैं वे सबसे कम स्टेबल होंगे। और अगर 2 8 ये वाले जो नंबर हैं 2 8 20 28 ये वाले नंबर, अगर ये वाले मिल जाते हैं तो फिर ये वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब मोस्ट स्टेबल कब होता है, जब n बराबर z, तो ये लो n बराबर z की वर्सेस ग्राफ निकाल लिया, n वर्सेस z का ग्राफ n वर्सेस z। ओके, तो ये वैल्यू है n इज इक्वल टू z की लाइन, इस जो 20 के आसपास के हैं जिनकी z की वैल्यू 20 26, तो ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो ये भी अपने
नियम से विचलन दिखाने लग गए। तो इसको और अधिक एक्सप्लेन आगे किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने फिजिक्स दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।